आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने जिले में अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों के साथ साथ गांव की हाथ भट्टी से शराब बनाकर बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से पुलिस दल की टीमों का गठन किया है। इसके तहत स्थानीय गुना शाखा की टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर चार प्रमुख शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की। दरअसल उरल सीमा के ग्राम मोर गाँव साजदीजन ने छापेमारी के दौरान गजानन महादेव नामक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने करीब 80 लीटर गावठी हाट भट्टी शराब और 390 लीटर सड़वा मोहा जब्त किया है। इसी क्रम में पुलिस ने तीन अन्य स्थानों पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए कीमत की करीब 270 लीटर शराब जब्त की है। अकोला से संवाददाता शाहिद इकबाल की रिपोर्ट।